तो एक करोड़ बहुत आसान है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि जब हमने इस डोमेन में एंटर किया तो मुझे लगता था कि ठीक है नॉर्मल तो ठीक है वो लाख डेढ़ लाख दो लाख आता रहता है बट वो करोड़ वाली चीज़ शायद नहीं पहुँच पाएंगे गूगल का अपना ही सिस्टम है अंदर अलग ही दुनिया चल रही है गोलमैन साइक के पास अपना ही जावा है वो नॉर्मल जावा से कुछ देने देना नहीं है उसका फेसबुक के अंदर फॉर एग्जाम्पल अलग ही पी चलता था एच सोच के देखो

हेलो जी कैसो सारे दिस इज लव बब्बर और ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाली है एक बहुत ही हाई लेवल पर्सनालिटी के साथ हमने इसको शूट किया अंशुमन सिंह को फाउंडर ऑफ स्केलर एकेडमी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमने डिस्कस की वो पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे फेसबुक के अंदर बाद में अपने करियर को शिफ्ट किया ऑन्टरप्रिनशिप में एंटर किया वहाँ पर दो कंपनी सेटअप करी धमाल मचाया तो उनकी जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं बहुत मजा आएगा सिर्फ कोडिंग की बातें नहीं होगी ऑन्टरप्रिनशिप की बातें भी होंगी बिजनेस की बातें भी होंगी आपको बताया जाएगा कि यार एक को फाइंडर आपको बताएंगे कि यार अगर आप टारगेट कर रहे हैं बिजनेस को तो वहां पर किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है किन गलतियों से बचना है और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है कोडिंग की अगर बात करें तो हर चीज डिस्कस होगी मेटावर्स प्रोग्रामिंग डोमेन की अगर प्रोग्रामिंग स्पेस की मैं बात करूं तो उसका फ्यूचर कहां पर जाने वाला है क्या डी एस ए बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्या डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस होने वाला है मशीन हमारी जॉब खा जाएंगी क्या और जॉब्स की अगर बात आती है तो 2025 तक नंबर ऑफ जॉब्स का क्या सीन रहने वाला है क्योंकि आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर डोमेन की बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई पड़ी है पे भी बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा मिल रही है इंडिया में भी आजकल और इंक्रीज ही हो रही है तो क्या मेरे लिए सेफ है इस डोमेन में और फ्यूचर एक्सपेक्ट करना या फिर मैं अपना करियर शिफ्ट कर लू क्या सेचुरेशन आ चुकी है तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उनकी जर्नी भी डिस्कस करेंगे बिजनेस पर भी बातें करेंगे कोडिंग पर भी बातें करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूं बार बार मैं क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं इस वीडियो को तीस मिनट का रखू बट चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग हुई चीज़ें इतनी एंगेजिंग हुई तो मैंने क्या कि यार नहीं पूरी एंटायर फिफ्टी मिनट कन्वर्सेशन ही मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आपको मजा आ जाए तो स्टार्ट अंशुमन को फाउंडर ऑफ स्किलर एकेडमी और इन्होंने गूगल भी क्रैक की हुई है फेसबुक भी क्रैक की हुई है दो बार ए सी एम फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं साथ ही साथ एक कंपनी इससे पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं और इंट्रोडक्शन मैं अपने ज़्यादा नहीं दूंगा मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा सर आपसे कि आपने गूगल जोड़ के फेसबुक क्यों ज्वाइन करी गूगल हाँ फेसबुक उस टाइम पे मतलब मैं थोड़ा मैं थोड़ा ओल्ड हूँ तो ये 2010 की बात है फेसबुक uh, उस टाइम पर स्टार्टअप हुआ करती थी तो शुरुआत में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जाके फेसबुक ज्वाइन करना है गूगल से हम लोग खुश थे आई हैड लाइक टू अदर फ्रेंड्स उनके पास भी गूगल से ऑफ़र था तो कॉल आया था हमें फेसबुक से और uh, ऐसा हुआ कि वो लोग एक्चुअली ऑन साइड के लिए बुलाते थे यूएस अच्छा तो हमें लगा फ्री की ट्रिप मिल रही है यू एस घूम के आते हैं तो हमने सेम टाइम पे इंटरव्यूज़ दिया सेम टाइम पे ऑन साइड इंटरव्यू शेड्यूल कराया ताकि तीनों लोग साथ में जा सकते और बाई चांस तीनों सेलेक्ट हो गए, तीन, <laughs> हो गए। uh, फिर लोगों से जब बात करना स्टार्ट किया तो समझ में आया कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट ओनली अबाउट ब्रांड ऑफ द कंपनी देर यूर ज्वाइनिंग बट इट इज़ अबाउट कि भाई जो आप वहाँ पे काम करोगे उसका इम्पैक्ट कैसा होगा उस प्रोजेक्ट में आपके साथ कैसे लोग काम करेंगे uh, कितना स्कोप ऑफ ग्रोथ है एंड मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मतलब हमेशा स्टार्टअप ज्वाइन कर लेना चाहिए उस टाइम पे ये दिख रहा था कि ये एस्पेक्ट्स फेसबुक में बेटर हैं उस टाइम पे एंड हमने बहुत लोगों से बात करी उन्होंने भी यही एडवाइस दिया तो फिर हम फेसबुक चले गए तो जो हंसी खुशी में चालू हुआ था वो फाइनली बिकेम सीरियस प्लान सही था <laughs> ट्रिप करके आते हैं फिर तीनों सेलेक्ट भी हो गए मतलब ये सही है पहले तीनों गूगल में थे फिर तीनों ट्रिप पे भी गए फिर तीनों फेसबुक में सेलेक्ट भी हो तीनों चले भी ज्वाइन भी कर लेते उन्होंने तो ये ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये ठीक है तो सर अभी इसमें पॉडकास्ट में हम कोडिंग की बातें भी करेंगे बहुत सारी और साथ साथ स्टार्टअप वाली चीज़ भी हमें डिस्कस करनी है ठीक है क्योंकि हम दोनों ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं कि यार दोनों तरीके के ज्ञान उनको मिलना चाहिए तो कोडिंग को डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके अभी बात करते हैं कि यार मुझे स्टार्टअप करना है मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ और मैं लव वब्बर के चैनल का व्यूअर हूँ ठीक है और मैं अभी को सर के सामने बैठा हूँ अभी अपना कुछ ऐसी तीन पॉइंट्स आप बताएंगे जो कोई भी ऐसा व्यूअर है जिसका मन में अगर स्टार्टअप करना है आप कोई भी ऐसी लर्निंग्स या कोई भी ऐसी चीज़ मिस्टेक्स जो आपने करी हो जिससे आप उसको दे पाएंगे यार ये तीन चीज़ का तो ध्यान रख इससे तरफ बहुत सारा टाइम बच जाएगा मतलब तो पहला तरीका क्या है कि तो खुद एक बार ट्राई करता जा ट्राई करता जा जब गलती करेगा तो पता लग जाएगा अगली बार नहीं करना बट तो मैं तो यह पहले स्त्री बता देता हूँ तो, इनको बचा लेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा वो चीज़ एज अ को फाउंडर मतलब गलतियाँ तो होती हैं स्टार्टअप में उसको आप ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन मैं वो बताता तो हूँ कि किन तीन तो रीजन तो की तो वजह तो से स्टार्टअप सबसे ज़्यादा फेल होती हैं रीज़न नंबर वन दैट यू आर नॉट एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग इनफ इज की बहुत सारे लोग ऐसे कंपनी स्टार्ट करते हैं कि मैं छः महीने ट्राई करके देख लेता हूँ एक साल ट्राई करके देख लेता हूँ भाई छः महीने एक साल में कंपनी नहीं बनती टाइम देना पड़ता है तो लाइक माई एडवाइस वुड भी कि आप अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो ये मेक श्योर करो कि आपके पास खुद के लिए इनफ पैसा है अगले चार साल पाँच साल अगर नहीं कमा पाओगे आप तो भी आपका काम चल जाएगा एंड देन गिव योर सेल्फ फोर टू फाइव ईयर्स चार से पाँच साल दो आप उसको तो कुछ हो सकता है पहला तो दूसरा दूसरा कि लोग फोकस नहीं रहते हैं। बहुत जल्दी बहक जाते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है आ, आज ब्लॉकचेन दिख रहा है चलो ब्लॉकचेन कर लेते हैं क्रिप्टो हॉट चल रहा है क्रिप्टो पे भी, भी कुछ कर लेते हैं, हैं। आ, तो होता क्या है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो ना तो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते हो एंड दैट इज़ द सेकेंड प्राइमरी रीजन वाई स्टार्टअप्स फेल दे डू टू मनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ़ फोकसिंग ऑन डूइंग वन थिंग वेरी वेरी डीप जैसे एक और मैं एग्जाम्पल बताऊँ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक अर्ली प्रोडक्ट मैनेजर्स मेक इज दैट दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि कितने फ़ीचर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ मेरी साइड बेटर है बिकॉज उसमें पंद्रह फीचर्स हैं उसकी साइड बेकार है बिकॉज देखो उसमें से दस ही फीचर हैं लेकिन जो प्रोडक्ट्स अच्छे बनते हैं जैसे व्हाट्सएप को आप लोग सिंपलेस्ट मैसेजिंग एप कोई फीचर नहीं है हाइक मैसेंजर में, में बहुत सारे फीचर्स थे लेकिन व्हाट्सएप सक्सेसफुल हुआ बिकॉज इट वॉज सिंपल फोकस्ड फोकस बहुत ज़रूरी है आई एम श्योर लाइक आपके पास भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में मतलब मेरा एक्सपीरियंस थोड़े से अलग है कोडिंग से रिलेटेड करते वो तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं मिल्खा सिंह देखने गया तो मेरा मन कर रहा घर पे आ गया रनिंग कर लेता हूँ अब मैं रनर बन जाता हूँ ओलंपिक में जाएंगे गोल्ड मेडल लेके आएंगे फिर मैं दंगल देखता हूँ मैं कहता नहीं यार रेस्लर बन जाता हूँ रनिंग छोड़ देते हैं फिर मैं महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देख के आता हूँ कहते नहीं सब छोड़ो क्रिकेट खेलते हैं बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे तो ऐसे चीज़ें चलती चलती हैं और आप देखते हो कि नहीं यार ये कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ ये लेता हूं। ऐसे चार पाँच चीज़ आपको इकट्ठी हो जाती है तो वो चार पाँच चीज़ों के चक्कर में एट द एंड जो आप देखोगे ना छः महीने पीछे जाके देखोगे तो यार कुछ कुछ किया नहीं छः महीने पूरे पूरे खराब कर दिए तो ये चीज़ें होती हैं और मेरे हिसाब से क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्लैरिटी का मतलब कहीं भी ये नहीं कि अगले पाँच साल में क्या करने वाला वालों अगले दस साल में क्या करने वाला मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है मेरे लिए क्लैरिटी का मतलब ये कि अगले छः महीने में मैं क्या करने वाला हूँ ये मुझे पता है मतलब अगर आप मुझसे बोलें कि यार अगले छः महीने का क्या प्लान है तो मैं कॉन्फिडेंटली बता पाऊँगी कि सर ये प्लान है आप बोलो कि पाँच साल का क्या है नहीं सर कोई प्लान नहीं पाँच साल का मेरे पास मुझे नहीं पता पाँच साल में दुनिया कहाँ के कहाँ पहुंच जाए है ना कोई भी नई टैक आ जाएगी तो उतना लॉन्ग नहीं है पर मैं छः महीने क्लैरिटी लेके बैठा बैठाऊँ और कोई मुझसे पूछेगा बता दूँ ये करना है मुझे और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि चल ठीक है मैं कर लूँगा और आपका पहला पॉइंट जो था वो बहुत सही लगा सर मुझे क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ आज के टाइम पे जो कंपनी में काम करते हैं तो उनका ये होता है कि यार मैं छोड़ रहा हूँ और मैं मतलब मेरी जो विंडो है वो यही है छः महीने से लेके एक साल की इस विंडो में देखूंगा अगर चीज़ें काम करेगी तो कंटिन्यू कर लूँगा नहीं तो फिर दोबारा वापस आ जाएंगे तो मेजॉरिटी मुझे दिखती है कि जो मेजॉरिटी यहाँ पर शिफ्ट भी मारती है उनका यही रहता है कि इसी विंडो को देख रहे होते हैं कि छः महीने में कुछ हो जाए जादू या गया एक साल में कुछ जादू हो जाए जो कि नहीं होता जो कि नहीं होता तो ये एक चीज़ है एंड फाइनली फाइनली जो मुझे एक लगता है लाइक फाइनल रीज़न वाई कंपनीज डोंट सक्सीड इज दैट दे आर प्लेइंग इन वेरी वेरी स्मॉल मार्केट बहुत छोटा मार्केट है शार्क टैंक टर्मिनोलॉजी मार्केट साइज आपका बहुत छोटा है Um, अगर मेरे प्रोडक्ट को खरीद ही सकते हैं मतलब इफ़ माई प्रोडक्ट इज़ ओनली फॉर हंड्रेड पीपल इन द वर्ल्ड सौ ही लोग हैं जो खरीदेंगे मैं कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लूँ इवन इफ आई एम आई डू एन आइडियल एग्जीक्यूशन मतलब देर इज़ अ कैप टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आई कैन अर्न एंड एनहेंस द काइंड ऑफ बिजनेस आई कैन बिल्ड वर्सेज अगर प्रोडक्ट मतलब मार्केट बहुत बड़ा है बहुत सारे लोग हैं जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं तो मैं गलतियां भी करूंगा तो भी मेरी कंपनी ठीक ठाक बड़ी बन जाएगी तो ऑलवेज प्ले इन बिग मार्केट लार्ज मार्केट्स सही है सही है तो ये ये आपके स्टार्टअप वाले व्यूअर्स के लिए था कि ठीक है एक को फाउंडर क्या आपको बता रहे हैं अपनी लर्निंग शेयर कर रहे हैं तो यहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली मिलेगी ठीक है इन तीन चीजों पे काम करना है मुझे क्लैरिटी मेरे पास होनी चाहिए वो छः महीने की और एक साल की विंडो लेके मत घुसना एक सेफ अमाउंट ऑफ कैपिटल पहले से होनी चाहिए कि चार पाँच साल सस्टेन कर जाऊँ ये नहीं कि दो महीने में खत्म हो गए फिर उसमें हम क्या करें तो इन चीज़ों पर काम करना है इन चीज़ों को ध्यान में रखना और उसके बाद आगे बढ़ना है अब चलते सर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब कि मैं पिछले ढाई से तीन साल से मतलब इतना टाइम हो चुका मुझे कंटेंट डालते डालते और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कोडिंग स्पेस में कॉलेज स्पेस में कि यहाँ पे एक टीयर मेटेलिटी है कि भाई मेरा कॉलेज टीयर वन है मेरा कॉलेज टीयर टू है मेरा कॉलेज टीयर थ्री है तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ है ही क्यों बिल्कुल मैं एक कॉन्वर्सेशन बताता हूँ मेरा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था कुछ एक साल पहले एक बच्चे के साथ जो टीयर थ्री कॉलेज से था उसको ये लगता था कि जो लोग आई में होते हैं उनका तो बिना एफर्ट के प्लेसमेंट हो जाता है बिकॉज हाँ। वो आई आई में है हाँ। कंपनी आती है और वो पिक करके ले आती है भाई तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तो, <laughs> बहुत अच्छी लाइन है तो वो कहते हैं इनको कंपनी थाली में परोस के देती है, हाँ। के देती है। हाँ। <laughs> लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है हाँ। वहां के लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है हमारे टाइम पे जब मतलब मैं ठीक ठाक कॉलेज से हूँ ट्रिपल आई हैदराबाद ठीक ठाक कॉलेज है वहां पर भी प्लेसमेंट होता था तो बहुत टेंशन वाला टाइम होता था मतलब मैंने देखा है लोगों को रोते हुए क्योंकि उस दिन कंपनीज़ आई अगले दिन कंपनीज आई कुछ नहीं हुआ तो फिर बच्चे हुए लोग नर्वस हैं रो रहे हैं इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो मेहनत तो हर जगह है लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके देखो कि भाई ये कॉलेजेस टीयर वन टर टू टीयर थ्री क्लासीफाई होते भी क्यों हैं एक जे नाम का एक एग्ज़ाम से किसी की कैपेबिलिटी तो नहीं डिफाइन होती फिर भी क्यों ऐसा होता है जैसे मैं आई बॉम्बे को ले लूँ आई डोंट वॉन्ट टू अफेंड एनी बट अगर आप आई बॉम्बे भी ले लो आप बोलोगे आई आई बॉम्बे आई बॉम्बे क्यों है आई डी बॉम्बे इज़ नॉट आई डी बॉम्बे बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं ठीक mm -hmm. लोग हैं लेकिन मतलब सही बताऊँ तो जितने लोगों से मैंने बात करी आई बॉम्बे में ऐसे लोग नहीं कि बहुत बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं mm -hmm. आ, करिकुलम भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही तगड़ा करिकुलम है mm -hmm. फर्स्ट ईयर में लकड़ी तोड़वा रहे होते हैं हमने भी <laughs> फाउंड्री रिसर्स बनाते हैं वो मिट्टी विट्टी का यूज़ करके वेल्डिंग भी करी है मैंने मतलब मैं आज के टाइम पे कोडिंग कर रहा हूँ मैं वेल्डिंग मुझे वेल्डिंग क्यों सिखा रहे हो ये लॉजिक में समझ नहीं आया आज तक कभी भी तो है ये चीजें डेफिनेटली है करिकुलम भी बहुत सॉलिड नहीं है लेकिन जो बहुत सॉलिड है वो है कम्युनिटी ईयर आफ्टर ईयर साथ में कैसे सीखना है और सीनियर से कैसे सीखना है उसके ट्रेडिशंस बन गए और सब सारे लोग मोटिवेटेड हैं मतलब एक एक इंसान जो नहीं कर रहा होगा उसको बुरा लगता है क्या मेरे अगल बगल के सारे लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें तो आप डिस्कवर कर लेते हो ऐसे कि मैं किसी के रूम मतलब मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे गूगल समर ऑफ कोड ये सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था hmm. मुझे मालूम पड़ा कि वो जो बगल वाला है वो गूगल समर ऑफ कोड का पेज खोल के बैठा हुआ फिर मैंने उससे पूछा उसने बताया फिर मालूम पड़ा कि अरे किसी की गूगल समर ऑफ कोड में हो गया उनको तीन तीन लाख रुपए मिलता है एक महीने में तीन लाख उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है hmm. <laughs> तो तो देन फिर तुरंत लग के ट्राई करने का ट्राई hmm. किया कि भाई मतलब गूगल समर ऑफ कोड में कैसे होगा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली अपने आप होने लगती हैं बिकॉज यू आर विथ पीपल हु आर विथ यू दैट डिफाइंस टीयर वन टियर थ्री में क्या होता है एक और मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ लखनऊ में ही मेरा एक फ्रेंड था जो कि वहीं के किसी कॉलेज को ज्वाइन किया था अब वहाँ पे ऐसा है कि अगर वो बेचारा बैठ के पढ़ना चाहे तो उसको लोग गालियाँ देते थे उनका ये होता था कि चलो टपरी भी बैठते हैं शाम को शाम को सबका एक ट्रेडिशन बना हुआ टपरी भी बैठेंगे गप्पे मारेंगे तो वो नॉर्म है कोई मेहनत कर रहा है वो एक्सेप्शन तो इस वजह से मतलब वो एक दो लोगों के लिए भी ये एफर्ट मार के करना हार्ड हो जाता है बिकॉज अगल बगल से कोई मोटिवेशन ही नहीं है इनफैक्ट पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन तो वो टीयर वन टीयर थ्री उस वजह से आता है आप कैसे लोगों के साथ हो अनफॉर्चुनेट uh, है कि वेदर टीयर वन और टीयर थ्री थोड़ा पढ़ाई का भी लेवल ब्रोकन ही है तो उसको भी फिक्स करना चाहिए लेकिन आज की डेट में टीयर वन टीयर थ्री उससे डिफाइन होता है अगर आप अपने अराउंड अपने जैसे लोग क्रिएट कर लो आपके आप पांच लोग का एक ग्रुप बना लो लेकिन पांच लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं मतलब दे दे फाइट देन यू आर ऑलरेडी इन अ टन सेटअप बिल्कुल 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 क्योंकि ऐसा नहीं है सर कि अगर आप टीयर थ्री को तो आपको कोई कंपनी लेगी नहीं क्योंकि आप टीयर थ्री को ऐसा कोई लॉजिक नहीं है आपको उन्होंने सवाल पूछे हैं वो चार सवाल आपसे भी पूछे सेम वो चार सवाल टीयर वन वालों से पूछने वाले हैं जो भी आंसर कर देगा उसको ले लिया जाएगा सिंपल लॉजिक है कोई ये नहीं बोलेगा नहीं यार ये तो एन एस आई टी का बच्चा है तो उसको क्वेश्चन पूछ ले लो ऐसा कोई भी नहीं करता क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे अगर आंसर करोगे तो आपको ले लिया जाएगा मैंटालिटी वाली बिल्कुल सही बात है कि अगर क्राउड होगा तो क्राउड के साथ साथ मैं भी कर लूंगा कम्युनिटी होगी तो कम्युनिटी के साथ मैं भी कर लूंगा ठीक है तो सारे लोग कर रहे हैं कर लेता हूँ और लेग पुलिंग तो हर जगह ही गए उस जगह से कुछ कर नहीं सकते हम बट हाँ ठीक है इस पर आई थिंक कम्युनिटीज़ ग्रो करेंगी जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है मेरे हिसाब से आज से दो साल पहले अगर मैं कहूँ तो यूट्यूब पर कोडिंग के चैनल्स ठीक है सिंगल डिजिट्स में होंगे उतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे कुछ समझना हो कुछ पढ़ना हो कोई टॉपिक मुझे कोई बता दे यूट्यूबर आके तो नहीं था मेरे हिसाब से दो साल पहले नहीं था आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे किसी को अवेयरनेस फैलानी हो कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है किस किस प्रकार आप उसको ले सकते हैं तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज के टाइम पर तो टी इयर थ्री वालों को अवेयरनेस मिल चुकी है ठीक है तो ठीक है ग्रो करेगा टाइम के साथ साथ बट ठीक है कर जाएगा अब अगर मैं बोलूँ कॉलेज कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ पर लैक कर रहे हैं बड़ी सारी चीज़ें ब्रोकन हैं जैसे एक और एग्जाम्पल लखनऊ से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एक कॉलेज है वहाँ पे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन उस कॉलेज में ट्रेडिशन है कि वो हर साल जो फोर्थ ईयर के ग्रेजुएट्स होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है वो उनको एज टीचर्स हायर कर लेते हैं mm -hmm. अगर ऐसे लोग टीचर्स हायर हो रहे होंगे तो mm -hmm. तो आई डोंट नो कि एक्चुअल क्लास में हो क्या रहा है <laughs> तो एक तो ये है कि आ, एक तो बहुत बेकार कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोई भी टीचर बन जाता है mm -hmm. जो थोड़े अच्छे कॉलेजेस भी हैं वहाँ पे टीचर्स जो हायर होते हैं वो उनकी टीचिंग स्किल की वजह से नहीं हायर होते mm -hmm. रिसर्चिंग की वजह से हायर होते हैं रिसर्च का और पढ़ाने का कोई लेना देना नहीं माई एबिलिटी टू टीच इज़ नॉट प्रपोर्शनल टू माई अबिलिटी टू रिसर्च मेरा नॉलेज लेवल इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ तो एक तो वो ब्रोकन है कि पढ़ा कौन रहा है इनफैक्ट मैं तो बिलीव करता हूँ कि जो लोग पढ़ा रहे हैं दे शुड बी प्रैक्टिशनर्स वो खुद सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं रोज रोज इस वजह से मुझे पढ़ा रहे हैं थ्योरी uh, नहीं पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ पर मतलब मैं अगर थोड़े से और एग्जाम्पल्स लूँ जो बेसिक सब्जेक्ट भी होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स नेटवर्क डेटा बेसिस बहुत ही थ्योरेटिकल वे में पढ़ाया जाता है इसमें इसमें सर एक चीज़ और अगर आप ध्यान से देखो तो जो कॉलेज स्टूडेंट है उसको अपने टीचर से बिल्कुल प्यार नहीं आज के टाइम पर उसको जो यूट्यूबर भैया पढ़ा रहा है ना यहाँ पर यूट्यूब पर उसको वो वो उसको समझ आ रही है कि ये जो पढ़ाता है मुझे समझ में आता है और ये चीज़ एक्चुअली यूज़फुल है इंटोर मुझसे यही पूछेगा मैं ये बताऊंगा तो ये ये मेरा दोस्त है <laughs> टीचर जो पढ़ा रहा है ये नहीं ये एनालॉग मुझे पढ़ा रहा है डिजिटल मुझे पढ़ा रहा है या फिर अगर मुझे डी एस अभी पढ़ा रहा है तो वो वो उस लेवल की चीज़ नहीं है जितना मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो हमारे केस में सारे टीचर तो नहीं एक दो टीचर ऐसे थे जो कि आ, क्लास आने से पहले एनपी के लेक्चर दिया करते थे <laughs> उसे नोट बना लेते थे, थे और क्लास में आगे पढ़ाए देते थे तो इस प्रकार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो स्टूडेंट पढ़ाने वाले उनको आप तगड़ा बना पाओ या उनको सारी की सारी स्किल्स प्रोवाइड करा पाओ नहीं हो सकता है आपने खुद आधे घंटे पहले पढ़ा आपको डेप्थ तो नहीं है उस चीज की मैं ये नहीं कह रहा टीचर बेकार है पर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है ऐसे नहीं करना होता एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी वर्कशॉट में काम कर रहा है एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी अमेजोन ऐसी कंपनीज में काम कर रहा है ठीक है वो ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा कि यार ऐसे चलना है ये ये प्रैक्टिस आप फॉलो करो ये जी गाइडलाइंस आप फॉलो करो ये ये क्वेश्चन हैं ये वराइटी आपको पता होनी चाहिए उसके बाद इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे क्योंकि वही आदमी वहां पर काम कर रहा है वही आदमी वहां पर इंटरव्यू भी लेता है वो आदमी प्रैक्टिशनर है ठीक है तो वो वो ज्ञान नहीं देता वो ऑलरेडी कर चुका है वो चीज़ तो वो उसके लिए वो चीज़ आसान है बट जो आप सेम चीज़ गई कि वो रिसर्च बेसिस पर टीचर बन के आए हैं तो शायद उनको वो क्लैरिटी ना हो ऐसे मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी ये होता है मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स पढ़ाते हैं तो मुझे मालूम है कि रोज रोज किस टाइप के नए केसेस आ रहे हैं इस वजह से मैं उस उसको यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ अपनी क्लासेस में सी no. एस में नहीं हो रहा ये कंप्यूटर साइंस में ही नहीं हो रहा um, दूसरा जो एक मुझे वो भी लगता है जैसे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ठीक हो ठीक है मतलब भाई हर किसी को जॉब नहीं करनी होती है no. कुछ लोगों को रिसर्च भी करना होता है आई कमीटली अग्री बट रिसर्च भी आप देखोगे तो जो अच्छी रिसर्च है दैट इज़ मूविंग इन अ डायरेक्शन विच इज़ इंडस्ट्री रिसर्च द बेस्ट रिसर्च लैब्स टूडे आर गूगल का ए आई लैब हो गया फेसबुक का ए आई लैब हो गया अमेजॉन में ए आई सेंटर्स हो गया दीज गाइज आर डूइंग द बेस्ट कटिंग एज रिसर्च दैट इज़ प्रोड्यूसिंग डिवाइस एंड रिजल्ट देट वी आर यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस आज हम एलेक्सा यूज़ करते हैं एलेक्सा को मैं बोल के कुछ बोल देता हूँ रैंडम हिंदी में इंग्लिश में एंड अलेक्सा उसके ऊपर एक्शन लेती है दिस वॉज नॉट इमेजिनेबल लाइक टेन ईयर्स बैक तो ये जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं जल्दी जल्दी जो रिसर्च वाले एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो भी इंडस्ट्री से निकल के आ रहे हैं लॉजिकल लॉजिकल सर तो एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्री रेलिवेंट होने से देर इज़ डेफिनेटली बेनिफिट टू दैट तो मुझे लगता है एक तो वो ब्रोकन है hmm. दूसरा जो हमारे करिकुलम्स वगैरह हैं एक्चुअली पिछले बहुत सारे कॉलेज में पिछले पंद्रह सत्रह साल से रिवाइज ही नहीं हुए hmm. और जबकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जो कि हर साल चेंज होता है सर वो हर महीने कोई ना कोई नई रही होती है अगर नहीं आप नहीं। अगर आप किसी अपने ऐसे दोस्त या रिलेटिव से बात करें जो काम ऑलरेडी कर रहा है इस डोमेन के अंदर तो आपको बताएंगे कि हर महीने कोई नई चीज़ आती है अगर कोई आदमी इंडिविजुअल पिछले दस साल से भी इस डोमेन में काम कर रहा है तो भी वो ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है क्योंकि छः महीने बाद फिर कोई नई चीज़ आ जा जाएगी फिर कोई नया फ्रेम आ जाएगा उस पर काम करने लग जाएंगे सारे सारे आपको अपना सारे का सारा कोड बेस जो है वो माइग्रेट करना पड़ जाएगा उसके अंदर तो चीजें बदलती जाती है आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हर बार यहाँ पे ठीक है वो चीज़ आपको आ गई उस पर आपकी पकड़ बन गई पर फिर नई चीज़ आ गई फिर फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा बिल्कुल एक बोलते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है टेक इंडस्ट्री में एंटी एंटीनेपोटिज्म मतलब इवन द इवन जो बाप है उसको भी वापस सीखना पड़ता है टू स्टे इन द इंडस्ट्री अगर आपको बने रहना है तो आप पढ़ते रहना पड़ेगा आपको लर्न करते रहना पड़ेगा नहीं करोगे तो आप निकल जाओगे इंडस्ट्री से बाहर बिल्कुल तो ये एक चीज़ है आप सर यूएस में भी रहे ठीक है आप इंडिया के मार्केट को भी आज के टाइम पे देख रहे हो तो की डिफरेंसेस आपको दिखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें बूम कर पाती है वहाँ पर फेसबुक बन गई वहाँ पर गूगल बन गई यहाँ पर फेसबुक गूगल क्यों नहीं बन पा रही है कुछ की डिफरेंसेस आपको दिख रहे हो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है हाँ मुझे मुझे लगता है कि इंडिया में लोग ज़्यादा मेहनती हैं ज़्यादा सिंसियर हैं इनफैक्ट कुछ टाइप के कल्चर्स जो ऑफिस में फॉलो होते हैं जो लोग बारह बारह घंटे काम कर लेते हैं वो हाँ। वहाँ पे मोस्टली नहीं होता है हाँ। आ, लेकिन एक जो एक जो चीज़ है जिस जिसपे हम लैक करते हैं एज अ सोसाइटी इज़ कि हमारी सोसाइटी ने पाथ डिफाइन कर दिए हैं पाथ डिफाइन ऐसे किए हैं कि भाई ये लोग डॉक्टर बनेंगे ये लोग इंजीनियर बनेंगे एंड पाथ से डिविएट करना इज नॉट ओके किसी ने अगर आ, रिस्क लिया और कुछ करने की कोशिश करी लेट से मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश करी तो पीछे चार लोग बात करते हैं बिल्कुल कि पगला गया है और अगर फेल हो गई फिर तो <laughs> फिर तो हर हर कोई बोला ही था मैंने फेल हो गया सर फिर सारे मुशा हैं <laughs> है, मुझे पता था तो यहाँ गलती करी इसकी मार्केटिंग ख़राब थी इसका वो खराब था वो खराब था वो तो नॉर्मल है सर तो लोग तो विराट कोहली को सिखा देते हैं कि नहीं ये जो ड्राइव साइज कर नहीं पाए <laughs> तो नॉर्मल है तो हमारी सोसाइटी रिस्क लेना इनक्रेज नहीं करती जबकि यूएस में बोडा हेड नोटिस कि आ, उल्टा है जैसे अगर आप एक गैदरिंग में हो और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को तो अगर आपने बोला कि मैं एक गूगल इंजीनियर हूँ या फिर मैं एक फेसबुक इंजीनियर हूं मुझे उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा वर्सेज कोई ये बोलता है कि मैंने दो कंपनीज ट्राई करी मैं फेल हो गया हूँ पीपल वेयर फेलियर एज अ बैच ऑफ ऑनर एंड दे गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट कि कोई जरूरत थोड़ी थी रिस्क लेने की लेकिन फिर भी आपने रिस्क लिया और ट्राई किया फेल हो गया कोई बात नहीं होता है लेकिन जब आप ये प्रमोट करते हो कि टेक रिस्क फेल तो क्या होता है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन है दस लाख लोगों की उनमें से एक लाख लोग फिर रिस्क लेंगे एक लाख में से ठीक है हजार कंपनीज सक्सीड हो जाएंगी हजार कंपनीज़ भी सक्सीड होंगी तो उनमें से कुछ गूगल बनेंगी कुछ फेसबुक बनेंगी कुछ एप्पल बनेंगे हमारे यहाँ अगर सेम पॉपुलेशन है लेट से दस लाख दस लाख में से अगर हमने किसी को रिस्क लेने ही नहीं दिया सौ लोग रिस्क ले रहे हैं तो ठीक है निक बनेंगे पाँच कंपनीज पेटीएम बनेगी फ्रेशड डेस्ट बनेगी जोमेटो बनेगी लेकिन फिर वो पांच ही बनेंगे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे तो एक जो डिफरेंस है यूएस और इंडिया में दैट इज इन द माइंड ऑफ बींग एबल टू टेक रिस्क बोल्ड बैट्स जो बोलते हैं वो हम लोग थोड़े कम लेते हैं हाँ तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट है और डेफिनेटली उनसे ज्यादा भी है क्वांटिटी भी ज्यादा है क्वालिटी भी ज़्यादा है बट हम एक जगह लैग कर रहे हैं साइड कंडीशनिंग उस तरह से नहीं हुई है कंडीशनिंग थोड़ा सा किया जाए रिस्क लेने के लिए प्रमोट किया जाए कि यार रिस्क लिया करो कोई बात नहीं जो होगा देखी जाएगी तो हम बिल्ड कर सकते हैं फेसबुक फिर हम बिल्ड कर सकते हैं गूगल मतलब ऐसे नहीं पर वैसे आप समझिए हाँ अपॉर्चुनिटी है कि जो नेक्स्ट सिलकन वैली बने वो यहाँ से बने चाइना हाँ। ऑलरेडी uh, ये कर रहा है चाइना जबकि इंग्लिश स्पीकिंग नेशन भी नहीं है चाइना बिल्ड बाई डांस टिकटॉक टिकटॉक इज़ बिल्ड फॉर द वर्ल्ड इट्स नाउ कंपेनिंग विद फेसबुक इट्स अ प्रोडक्ट फ्राम चाइना फॉर द वर्ल्ड उनके मोबाइल डिवाइसेज हैं जो कि इट्स इट्स प्रोडक्ट फ्राम चाइना फॉर द वर्ल्ड हमारे पास अभी वैसे प्रोडक्ट्स कम हैं जो कि uh, हमारे पास सास कंपनीज हैं लेकिन अदरवाइज प्रोडक्ट्स कम हैं जो कि बी डू सी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में बनते हैं बट दे आर बिंग बिल्ड फॉर द वर्ल्ड बट इज अ लार्ज ऑपर्चुनिटी तो हमने टीयर थ्री मैंटेलिटी की बात करी कि हम टीयर के बारे में सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं यार हमारा नहीं हो रहा हम तो टीयर थ्री के हैं मैंने बहुत सारे कॉलेज बात करी जो कि पंजाब में हैं टीयर थ्री हैं तो वहाँ के बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं करते वो सोचते भी नहीं है कि यार ऐसा अमेजान में लग भी सकती है या मैक्सराम में लग भी सकती है वो सोचते हैं है कि यार टी सी एस कंपनी है इन्फोसिस एक कंपनी है मुझे तीन से चार लाख का पैकेज मिल जाएगा मेरी जिंदगी सॉर्टेड है मैंने कहा भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी होती है आप वहाँ भी जा सकते हो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको एक्सप्लोर कर लो तो वो शायद उनको पता भी नहीं है अगर आ, हम बात करें कि कैसे इस टीयर मेन्टेलिटी को हम रिमूव कर सकते हैं या फिर कैसे आप काम कर रहे हो उसको रिमूव करने के लिए तो वो कैसे वो क्या होगा देखिए उसको रिमूव करने का सही तरीका तो भाई है कि लोगों को आप साथ में ले आओ और उनके अंदर वो इंटरेस्ट जगाओ जिसपे अभी हमारे कॉलेजेस फ़ेल हो रहे हैं इंटरेस्ट जगेगा तो लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे वंस दे फील कॉन्फिडेंट डेल एक्सप्लोर तो हम लोग एटलीस्ट एक चीज़ जो ट्राई करेंगे विल सी हाउ इट गोज बट एक जो हमारा ड्रीम रहा है वो ये रहा है कि लेट्स बिल्ड आउट ए पैरल बी टेक स्लैश बैचलर्स प्रोग्राम वेयर वी गेट द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू टीच ठीक है एक एंड लाइक विल गेट पीपल टू लिव टुगेदर कम्युनिटीज बनाएंगे हम लोग uh, एटलीस्ट जो स्केलर में अभी सक्सेस आ रहा है हमें ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल सेगमेंट में इन डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसको बैचलर्स में भी रेप्लीकेट करो अभी जो हमारा सिस्टम है बड़ा ब्रोकन है एक स्टूडेंट दो तीन साल जेई के लिए प्रिपेयर करता है कोई काम नहीं है उसका जेई के बाद मैं चार साल कॉलेज में वेस्ट करता हूँ जिसमें प्रॉब्ली काम की पढ़ाई होती है एक दो सेमेस्टर की बिल्कुल सही दो सेमेस्टर ऊपर नहीं होती है <laughs> बाकी सारा काम का नहीं है इतना सारा टाइम मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है वाई कॉन्ट आई मेक द सेम पर्सन प्रोडक्टिव एट एक्सप्लोर एंड बी प्रोडक्टिव सूनर एंड वो बिल्कुल किया जा सकता है तो वी आर ट्राइंग टू अड्रेस दैट प्रॉब्लम कि लार्जर यूथ को हम पैरल आई आई टी टाइप की एजुकेशन कैसे दे सकें इन बेटर एजुकेशन दैन आई आई टी कैसे दे सकें वेर इट इज नॉट अ थिंग ऑफ प्रिविलेज कि मैं तीन साल प्रिपेयर करूंगा आई एम प्रिवलेज एंड हैंस आई हैव एक्सेस टू आई आई टी क्वालिटी एजुकेशन बट रैदर राइट टू हैव एक्सेस टू फॉर्म ऑफ एजुकेशन तो इसमें इसमें सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परस्पेक्टिव मुझे दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि हमारी प्रॉब्लम हमने बताई कि, कि कॉलेजेज हैं वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं तो वो डेप्थ उतनी नहीं दे पा रहे हैं या फिर वो उतना रिलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ा पा रहे हैं और करेिकुलम भी थोड़ा ऐसा सही है मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा एक ऑप्शन था कि मैं बैठ के बस बोलता रहा ये ऐसा या ऐसा 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 बेकार है यार सब इंडिया में सब बेकार है सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपने उस प्रॉब्लम को पकड़ा कि हाँ इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं और आपका विजन जो मैं समझ में आ रहा है अगले एक साल में इस प्रकार का है कि यार ऐसा कुछ बना देंगे जहाँ पे वो जो फालतू का एनालॉग या डिजिटल मुझे पढ़ना पड़ा था कंप्यूटर इंजीनियर होके मैं क्यों पढ़ूँ यार वो मुझे तो कोडिंग करनी है ना या मैं वेल्डिंग क्यों करूँ में लैब में क्यों जाऊँ उसको बिल्कुल हटा देते हैं और रिलेवेंट चीज़ों को लेके आते हैं सिर्फ वही पढ़ाएंगे और पढ़ाने वाले भी वही होंगे जो खुद कर चुके हैं या कर रहे हैं बिल्कुल राइट तो ठीक है एक प्रॉब्लम थी उसका सॉल्व असलियत में किया गया ऐसा नहीं था कि नहीं इंडिया में बेकार है सब ये वाला माइंड सेट नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ थी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर जब मैंने ये पॉडकास्ट हम स्टार्ट करने वाले थे मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाला कि हम स्टार्ट करेंगे पॉडकास्ट किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप सेंड कर दो तो मेनली मैंने यहाँ पे देखा कि मेजोरिटी हमें कह रही है मैं <laughs> आपको पढ़ के बताता हूँ <laughs> बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं तो पहला है कि इफ़ इट्स फॉर स्टूडेंट्स वाई सो कॉस्टली पैसों की बात कर रहे हैं uh, एक ने बोला कि भैया टू पॉइंट फाइव की जगह पच्चीस हज़ार कोर्स करवा दो अरेंज फ्री कोर्सेज फॉर मी तो मतलब मेजोरिटी के इससे मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को पैसे पैसे वाली बात ज़्यादा कर रहे हैं लोग कि वाई कोर्सिस आर एक्सपेंसिव पैसे कम करा दो कोर्स के ठीक है तो वाई द पैकेज प्राइज आर टू मच हाई तो मेजोरिटी मुझे ये दिखती है कि इंडिविजुअल्स कह रहे हैं कि कोस्ट फैक्टर मुझे दिख रहा है ये समझ में आता है कि क्वालिटी टॉप ना हो चाहिए यह समझ में आता है कि जो प्रैक्टिशनर्स है वही पढ़ा रहे हैं बट जो मुझे मेरे लिए ब्लॉकिंग पॉइंट है ना जहाँ मैं रुक जाता हूँ वहाँ के मैं आता तो हूँ कि हाँ अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ है बट रुक जाता हूँ वो कहाँ रुकता हूँ पैसों के यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो इसी मतलब क्या विचार है आपका कि वैसे आपको क्या लगता है कि आपकी पोजिशनिंग क्या है वहाँ वहाँ पर और अगर वो ज़्यादा है तो वो क्यों ज़्यादा है रीज़न क्या है उसके पीछे मैं कुछ डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ अगर है। कम करना चाहता तो वही मैं <laughs> <है। laughs> मैम डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ कि क्या रीज़न <laughs> रहा है तो हमारी जो जर्नी थी उसमें अभी भी एक्चुअली अ लार्ज पार्ट ऑफ आर एफर्ट गोज़ इन टू मेनटेनिंग एंड ग्रोइंग इंटरव्यू बिट इंटरव्यू बिट फ्री है उस पर वीडियोज भी होते हैं उस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होती हैं पूरा फ्री है आ, लेकिन आ, जो हमें दिखा मतलब तो इंटरव्यू पेट आज की डेट में तीस लाख लोग हैं लेकिन हम लोग ये एनालिसिस एक बार दो में भी कर रहे थे एंड में उस टाइम पर कुछ दस लाख लोग थे दस लाख में से जो हमारे लेवल्स होते हैं ना जिस पे आप आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो हमने वो देखा कि यार जो सेकंड लास्ट लेवल है और जो लास्ट लेवल है उस पर कितने लोग हैं उस टाइम पे कुछ हज़ार लोग थे दस लाख में से हज़ार लोग और वो हज़ार लोग भी कौन थे जो कि टॉप कॉलेजेस से आते हैं जो ऑलरेडी प्रिवलिस्ड है uh, तो uh, तो हमें थोड़ा सा वो लगा कि हम मे बी जो जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है तो हमने जो थोड़ा सा इसके बारे में सोचा तो हमें समझ में आया कि इंटरव्यू बिट इज़ लाइक अ बुक मैं अगर एक शहर में एक लाइब्रेरी खोल दूँ तो बोलूँ भाई यहाँ पे हर तरह की बुक है जिसको जो आके पढ़ना हो पढ़ लूँ ठीक है उस uh, वो होती हैं भाई देवे लाइब्रेरीज गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखी हैं uh, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि पूरा शहर विद्वान हो जाएगा नहीं पढ़ते हैं लोग बुक्स लेकिन अगर मैंने हज़ार लोग लिए और उनको एक यूनिवर्सिटी में डाल दिया जहाँ पे आपको कंप्लीट करना है ये अज्यूमिंग कि यूनिवर्सिटी अच्छी है तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि हज़ार में से 900 लोग छोड़ के भाग गए हज़ार में से फिर 900 लोग ग्रेजुएट करते हैं एंड ग्रेजुएट करने के बाद देयर एजुकेशन लेवल देयर लर्निंग लेवल इज बिकम्स हाइयर इफ द यूनिवर्सिटी इज गुड तो हैंस वी सेट कि ठीक है अगर हमें करना है अगर हमें वो हजार नंबर जो हैं वो बढ़ाना है तो देन वी नीड टू री लुक एट द अप्रोच एंड इंटरनल गोल ये था कि लेट्स क्रिएट ऑनलाइन स्टैंडफर्ड जो भी करना पड़ेगा करेंगे वो करने के लिए बिकॉज दैट विल इंक्रीज दैट नंबर अब रियलिटी ये है कि हम लोग जो क्लासेस कराते हैं वो लाइव होती हैं फ्रॉम बेस्ट इंजीनियर्स अब मैं गूगल फेसबुक के इंजीनियर्स ले आ रहा हूँ टू टेक दोज क्लासेस पैसे देने पड़ेंगे वो फ्री में नहीं करते हैं लोग हाँ। uh, मैं अगर, अगर अपने सारे स्टूडेंट्स को एक पर्सनल मैंटर देता हूँ हाँ। जो कि वो लोग भी गूगल फेसबुक टाइप की कंपनीज से आ रहे हैं विच मीन्स दे आर वेरी वेल पेड उनको भी हमें पैसे देने पड़ेंगे uh, अगर हम लोग के पास एक टीम है जो कि कंपनीज को लेके आती है उनको भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे आ, रिक्रूटर्स जो कि हायर करेंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे हमारी टीम इन जनरल को पैसे देने पड़ेंगे सो so देन अगर आप एंड दिस इज बाय द वे सम ऑफ द ऑडियंस इज गोइंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस आप एटलीस्ट ऐसा बिजनेस डिजाइन करते हो जिसमें यूनिट इकोनॉमिक्स पे आप पैसा लूज नहीं कर रहे हो अगर मैं हर बच्चे पे पैसा लूज करूंगा तो मुझे कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी साल भर में बिल्कुल जेब से कब तक लगाएंगे हम कब तक लगाओ तो इसलिए टू मेंटेन दैट दर इज़ अ सर्टन प्राइस टू इट बट मैं एक और जो थाट बोलूँगा आप उसके बारे में सोचो लोग कॉलेज जाते हैं कॉलेज में जो फीस होती है बहुत सारे कॉलेज में वो काफ़ी हाई होती है लाइक प्राइवेट कॉलेज में टिपिकली दस लाख बीस लाख टाइप की फ़ीस हो जाती है इवन आजकल गवर्नमेंट कॉलेज़ में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में पाँच लाख दस लाख फीस होती है तो कंपेयर टू दैट फॉर द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट वी प्रोड्यूस उस कंपेरिजन में एक्चुअली दैट नंबर इज नॉट वेरी हाई लेकिन क्योंकि हमारा थोड़ा मेंटल कंडीशनिंग वैसा है कि कॉलेजेस अलग होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज अलग होते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज अभी तक वो बुक्स वाले फॉर्मेट के थे ना यूडमी सा बुक्स हैं तो किसी ने कॉलेज टाइप का किया नहीं हम पहली बार कर रहे हैं हुँ. तो लोग बचा नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बिल्कुल सर मेरे हिसाब से सर जो कभी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो रजिस्ट्रेंस डेफिनेटली है ही है और मुझे लगता है आगे आने वाले तीन चार पाँच साल के बाद ये जो चीज़ है कि मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट है ठीक है वहाँ पर जाकर मैं एक पर्टिकुलर कोर्स ले रहा हूँ जो कि तीन साल का है और मैं कॉलेज स्किप कर रहा हूँ कॉलेज नहीं जाना मुझे मैं ये कर रहा हूँ ये चीज़ कॉमन हो जाएगी आज के टाइम पे माइनॉरिटी एक्सेप्ट कर रही है तो चीज़ थोड़ी डर दर, डरावनी है कि यार पता नहीं सही है कि नहीं।, नहीं है धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा तो ये चीज़ कॉमन हो जाएगी नॉर्मल हो जाएगी तो ये तो मैं एक और डेटा पॉइंट ऐड करूँगा बिकॉज मैं बोलने को तो कुछ भी बोल सकता हूँ हमने अभी एक ऑडिट करवाया था के से उस ऑडिट में दे हैव वेरीफाइड कि देर ऑलरेडी दिस दिस अ फ्यू मंथ्स बैक ऑलरेडी देर आर अबाउट ट्वेंटी वन हंड्रेड स्टूडेंट्स हु वर्क एट टॉप टेक कंपनीज हु आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्केलर दैट नंबर इज ऑलरेडी बिगर देन थाउजेंड जो कि मेरे पास इंटरव्यू बिट में था वो डबल है ऑलरेडी डबल हो गया है तो इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है इस फॉर्मेट में तो हेंस इसलिए और भी कन्विक्शन है कि इसी को थोड़ा और बेटर करते हैं अगर हम इम्पैक्ट रियली क्रिएट कर रहे हैं लोगों की लाइफ में तो वो प्राइस लाइक फॉर द काइंड ऑफ रिटर्न पीपल गेट इज इज नथिंग मतलब मेरे को यही समझ में आता है सर कि अगर हम पैसे ले रहे हैं तो वो किसी को देने भी पड़ते हैं इसलिए मुझे लेने पड़ रहे हैं ठीक hmm. है मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि भाई प्राइस पॉइंट सही है कि नहीं है आप जिन जिनको देते हो आपको पता है कि हाँ ये प्राइस पॉइंट सही है कि नहीं है वो आप ही बता सकते हो है ना एक, import, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर मेरे पास एक इंटरेस्टिंग कमेंट था मेरे पास रिसेंटली अराउंड नवंबर के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई उसका नाम रखा सबकी प्लेसमेंट लगेगी ठीक <laughs> है हिंदी में लिखा उसको पूरा और मेरा इंटेंट ये था कि मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ पर मैं फ्री में डीएस पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने कुछ विजन लिया कि अगले छः महीने मुझे ये करना है ठीक है तो अब अगर मैंने लिख दिया वीडियो में सबकी प्लेसमेंट लगेगी आज के टाइम पर मेरे मेन चैनल की ऑडियंस थ्री पॉइंट फाइव के आसपास है तो क्या साढ़े लाख की मैं प्लेसमेंट लगवा पाऊँगा तो एक बच्चे ने बड़ा प्यारा कमेंट किया बड़ा मज़ा आया उसको पढ़ने के बाद तो उसने मुझे बोला कि भैया चलो ठीक है मान लेते हैं आपने बोल दिया सबकी प्लेसमेंट लगेगी आपके साढ़े तीन लाख व्यूअर हैं आज के टाइम पे मैं फिर भी आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ पचास परसेंट ले लेते ले हैं और कम कर लो ऐसा कर लो सिर्फ डेढ़ लाख व्यूअर हैं आपके तो क्या आप डेढ़ लाख बच्चों की प्लेसमेंट लगवा दोगे अपने कोर्स से मान लेते हैं आपने दुनिया का सबसे बढ़िया डी कोर्स बना दिया एकदम गोल्डन कॉन्टेंट कि जो आप पढ़ाते हो वही पूछ लेता है इंटरव्यर हमेशा ऐसी किस्मत आपके कोर्स की है हमेशा और पर सोच के देखो आपने डेढ़ लाख डिजर्विंग कैंडिडेट तो खड़े कर दिए क्या डेढ़ लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर मैंने भी सोचा इस बात की क्या लॉजिकल बात है कि मैं तो ओपनेंट से इतना कर सकता हूँ ना कि मैं बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट बनाकर कर सकता हूँ जो भी पॉसिबल है मेरे लिए पर हर किसी की प्लेसमेंट लगवा पाना हर किसी को जॉब दिलवा पाना वो चीज़ फिजिबल है कि नहीं है फिजिबिलिटी पर बात आ जाती है तो इस पर आपका क्या थॉट होगा मैं आगे नंबर से बात करता हूँ तो आज क्या होता है मैं पहले वो बताता हूँ आज इंडिया में करीब प्लेसमेंट्स में मतलब आफ्टर कॉलेज कुछ ढाई लाख लोगों की जॉब लगती है ढाई लाख में अगेन सारे ब्रांचेस होते हैं जिसमें से कुछ 2.2 लाख जॉब्स होती हैं वो होती हैं आईटी वाली जॉब्स आईटी या फिर आईटी टी एडेंट जिसमें मेजरली एक्चुअली आज की डेट में सर्विसेज जॉब है 1.8 पॉइंट एट के आसपास 1.7 1.8 के आसपास आईटी सर्विसेज की जॉब्स हैं बाकी सारी प्रोडक्ट कंपनीज की जॉब्स हैं तो आज की डेट में जो फ्रेशर लेवल पे हायरिंग हो रही है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है चालीस पैंतालीस हज़ार की हायरिंग है ऑन ऑन प्रोडक्ट कंपनीज लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे लोगे और हायरिंग मैनेजर से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे यार हायरिंग तो बहुत है मेरे को लोग नहीं मिलते हैं अच्छा तो लेट एंड डिमांड अब लेकिन लेट एंड डिमांड भी मैं कैसे क्वांटिफाई करूँ कि भाई उसमें डेढ़ लाख लोग तीन लोग लाख लोग का होगा कि नहीं होगा तो एक और व्यू पॉइंट हमने देखा कि यही नंबर ऑफ जॉब्स यूएस में कितनी है यूएस में अभी इफ़ यू लुक एट मतलब वहाँ पे जो जॉब साइट्स होती हैं डाइस डॉट कॉम इंडी डॉट कॉम इन सब पे आप देखोगे नंबर ऑफ ओपन जॉब्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेटा तो कुछ 1.6 मिलियन से 2 मिलियन विच इज 16 लाख से 20 लाख ओपन जॉब्स हैं एंड अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अब वर्ल्ड फ्लैट होता जा रहा है तो वो कंपनीज भी दे आर ओके हायरिंग समबड़ी इन इंडिया जो कि उनके टाइम जोन में काम कर सकता है रिमोटली काम करेगा मेरे को नहीं चाहिए ऑफिस में आके काम करे तो एक तो वो हो रहा है दैट इज ट्रेंड नंबर वन दूसरा ट्रेंड क्या है कि जो टेक वाला वर्ल्ड है ना दिस इज अ जीरो सम गेम व्हाट इज ज़ीरो सम गेम जीरो सम गेम ये होता है कि मान ली मैं और आप क्रिकेट खेल रहे हो अगर आप जीतोगे तो मैं हारूंगा hmm. हमारा सम इज़ जीरो आपका प्लस वन हुआ तो मेरा माइनस वन होना पड़ेगा ठीकर, ठीकर. तो अगर एक बंदा जीतेगा तो दूसरे को हारना पड़ेगा दैट दोज आर जीरो सम गेम्स टेक में कैसा होता है कि आपने कोई एक नया आइडिया लिया कुछ चालू कर दिया दैट विल जनरेट मोर जॉब्स मैंने स्केलर स्टार्ट किया अगर तो स्केलर से हज़ार नई जॉब्स क्रिएट हो गई तो कोई हारा नहीं है इसकी वजह से लाइक इट जस्ट क्रिएट्स न्यू जॉब्स बिकॉज यू सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम अच्छे लोग होंगे आपके पास तो और जॉब्स क्रिएट होती हैं जैसे जैसे आप और प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और ट्रेंड वाइज एक ये हो रहा है कि आई टी इज स्लोली गेटिंग इन टू एवरी सिंगल सेक्टर द मोर एंड मोर दैट हैपन्स मोर जॉब्स गेट क्रिएटेड GitHub ने फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि दो तक वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फाइवेट फिफ्टी मिलियन टोटल फिफ्टी मिलियन जॉब्स होंगी टोटल hmm. आज की डेट में कुछ पच्चीस मिलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एग्जिस्ट करते हैं बट दैट कि मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाई टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिलियन इज ढाई करोड़ तो तीन लाख तो कुछ भी नहीं है कुछ <laughs> भी नहीं है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आराम से आराम से हो सकता है बहुत ही आसानी से एक और मैं डेटा पॉइंट आपको बताता हूँ कि अगेन दिस इज माई ऑब्जर्वेशन आप भी प्लीज बताना यू ऑब्जर्व दैट और नॉट आई नाउ नो ऑफ फाइव पीपल फ्रॉम स्केलर जिनका एक्सपीरियंस एक्चुअली छः साल के आसपास का था uh -huh. और उनका जो कॉम्पनसेशन है वो एक करोड़ से भी ज्यादा हो गया उसका रीजन क्या है कि जो पूल ऑफ वेरी गुड इंजीनियर्स है वो एक्चुअली बढ़ नहीं रहा है वो अच्छे रेट से तो सारी कंपनीज जो अभी फंडिंग मिल रही है वो सब हो रहा है सबको हायर करना अच्छे इंजीनियर्स अच्छे इंजीनियर्स बहुत कम है तो इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल होता है सप्लाई एंड डिमांड वाला डिमांड uh, बढ़ रही है बट सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो फिर आप बेड ज़्यादा करते हो आप पैसे ज़्यादा देते हो तो इसलिए वो सैलरीज बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी दैट ऑल्सो शोज कि देर इज़ अ लॉट ऑफ लेट डिमांड फुल नहीं फिल नहीं हो रहा है क्वालिटी इंजीनियर नहीं है राइट right. तो इसमें इसमें सर सेम मतलब मैंने भी छः महीने पहले रिसर्च करनी शुरू करी थी यहाँ पर कि ठीक है क्या मैं इस जॉब से करोड़ रुपए निकाल सकता हूँ साल के सिंपल लॉजिक सिंपल देसी देसी शब्दों में बात कर रहे हैं तो मैंने देखा कि हाँ यार अगर आपका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन फाइव ईयर्स है और आप एक डिज़र्विंग इंजीनियर है आप अच्छे से काम कर लेते हैं आपको ग्रोथ हुई आपकी असलियत में ठीक है आप ये नहीं कि स्विच कर करके कर 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 के आपने कर 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 सी बढ़वा लिए वाली चीज़ नहीं असलियत में ग्रोथ हुई आपके पास वो डिजाइन स्किल्स वगैरह हैं टेक्निकल स्किल्स हैं तो एक करोड़ बहुत आसान है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि जब हमने इस डोमेन में एंटर किया तो मुझे लगता था कि ठीक है नॉर्मल तो ठीक है वो लाख डेढ़ लाख दो लाख आता रहता है बट वो करोड़ वाली चीज़ शायद नहीं पहुँच पाएंगे वो लास्ट छः महीने मैंने एक्सप्लोर किया मुझे अगर नहीं ठीक है तो बहुत आसान है अगर आप ढंग से काम करते हैं चीज़ों को लर्न करते हैं रेगुलरली कंसिस्टेंट रहते हैं तो पाँच साल के एक्सपीरियंस के बाद आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं अभी हमने सर प्रडिक्शन की बात की कि गिटअप ने ऐसा कहा 2025 तक हम इतने मिलियन जॉब क्रिएट कर लेंगे इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास तो एक प्रोडिक्शन मुझे लगती है मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा आपसे बताना कि आपका क्या विचार है तो आज के टाइम पर करूं तो आ, अगर मैं बात करूँ तो जो बिग एम हैं बड़ी कंपनीज हैं वो अगर मैं डी की और डेव की परसेंटेज वाइज स्लॉटिंग कर दूं तो डी एस ए की वेटेज अराउंड 80 परसेंट आ गई और डेव की कोर सब्जेक्ट्स की आ, और बाकी जितना आपका बच जाता है वो सब 20 परसेंट आ गई ठीक है तो बिग एमेंसी का फोकस ज़्यादा होता है कि यार इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है अगर अच्छी है तो मैं ले लूँगा बाकी स्को एंड्रॉड आती हो ना हो वेब आती हो ना हो मशीन लर्निंग आती हो ना मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं सिखा लूंगा मेरे पास टाइम भी है मेरे पास सिखाने के लिए लोग भी हैं मेरे पास रिसोर्स भी हैं सब कुछ है मैं कर लूंगा स्टार्टअप केस में उल्टा होता है स्टार्टअप केस में उन्होंने बोला कि यार आपकी डेव अच्छी होनी चाहिए डी एक् ठीक होगी तो चल जाएगा ठीक है मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको पहले सब कुछ आ जाए मुझे सिखाना ना पड़े ज़्यादा आप आते ही काम शुरू कर दो मुझे ऐसा लगता है कि आज से तीन साल दो तीन साल आगे जाकर डीएसए की पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी लोअर एंड पे आ जाएगी कि अभी डी एस पे पर लाइक कर रहा है और बाकी जी ट्वेंटी परसेंट वाले स्लॉट में आ रही हैं तो आगे जाकर इन फ्यूचर डी जो है वो उल्टा हो जाए कि डी एस ए सिर्फ ट्वेंटी परसेंट मैटर कर रहा है और डेव ज़्यादा मैटर कर रही है क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे दिखते हैं मैं नाम नहीं ले रहा अभी पर मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे दिखते हैं जहाँ पर आपकी डिग्री मैटर नहीं करती आप सिर्फ ट्वेल्थ पास भी हो और आपको स्किल है तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हो आप कंपनीज़ लाइक कराइट वहाँ पर फोर्टी का सी सी ले सकते हो सिर्फ ट्वेल्थ पास होने के बाद भी बाद ही कंडीशन है कि आपको स्किल होनी चाहिए तो मुझे दिख रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं तो मैं अपने चार साल क्यों खराब करूँ मैं तो करूँगा ही नहीं मैं तो स्किल पर फोकस करता हूँ जाके इंटरव्यू देता हूँ सेलेक्ट होता हूँ जॉब शुरू कर लेता हूँ तो ये मुझे लगता है कि मतलब डी कहीं ना कहीं थोड़ा लोअर एंड पे आएगा आने वाले दो तीन साल के अंदर इस पर आपका क्या विचार है देखिए स्टार्टअप जॉब्स तो बढ़ेंगी विथ टाइम uh, जो मैं वो बोला था ना जीरो सम गेम नहीं है तो स्टार्टअप्स बढ़ेंगे स्टार्टअप्स के साथ स्टार्टअप जॉब्स बढ़ेंगे एंड स्टार्टअप जॉब्स में आई कम्प्लीटली कि डेव इज गोइंग टू बी द बिगर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ कि आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है अब एम में एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि एक तो वाई वाई डू दे प्रिफर्ड डे सी राइट लाइक तीन चार रीजन है मैं वो बता देता हूँ एक तो ये कि उनके पास जो टेक्स टैक होगा वो हो सकता है बाहरी दुनिया में है ही नहीं <laughs> आ, गूगल का अपना ही सिस्टम है अंदर अलग ही दुनिया चल रही है गोल्डमैन सैक्स के पास अपना ही जावा है नॉर्मल जावा से कुछ <laughs> लेना देना नहीं है उसका फेसबुक के अंदर फॉर एग्जाम्पल अलग ही पी चलता था एच तो बिकॉज वो एक तो बाहरी दुनिया से लेना देना नहीं है तो फिर मैं अगर किसी को एक पर्टिकुलर टेक्सटैक्ट पर एवेलुएट करूँगा भी तो इट माइट और माइट नॉट ट्रांसलेट इन प्रोडक्टिविटी एट माई वर्क तो उन्होंने बोला ठीक है भाई जो कोर होता है उस पर इवेलुएट करते हैं और वो भी क्यों डी पे ए इवेलुएट करते हैं उनका दो तीन रीज़न थे एक तो ये कि ये कंपनीज इतने बड़े स्केल पर चलती हैं कि सेम जो मैं कोड लिखूंगा वो वो एक दिन में इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि मतलब वो बिलियंस बार एग्जीक्यूट होगा तो अगर मैंने वो इनफिशियंट लिखा है तो मुझे कंपनी को खर्चा ज़्यादा पड़ता है बिकॉज़ ज़्यादा मशीन चाहिए होती हैं और मशीन्स आती हैं महंगी तो अगर बेकार कोड लिखना चालू कर दिया तो हो सकता है कि मैं कंपनीज़ को मिलियंस में खर्च करवाने लगूँ ज़्यादा तो एक तो उनको चाहिए होता है कि भाई एफिशिएंसी लोगों को समझ में आना चाहिए मैं, मैं रिले कर पा रहा हूँ कि जब मैं बच्चों को बोलता हूं ना क्योंकि ऑप्टीमल सोल्यूशन निकालो ये तुम्हारे एंकर वाला इसको लॉग इन में करके दिखाओ तो वो इसलिए कर रहे हैं कर तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन पड़ जाएंगे एंकर्यूशन आप जाकर लिखोगे तो अगर लॉग एन वाला लिखोगे तो ऑप्टिमाइड भी है और आप परफॉर्मस इंक्रीज कर जाएगी आपकी लेटेंसी नहीं आएगी चीजों के अंदर हाँ कम मशीन लगेंगे ऑपरेशन भी कम होंगे तो ठीक है तो पैसा बचेगा कंपनी का तो इसलिए एक रीजन ये होता है दूसरा ये होता है कि भाई जितना प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे कोडिंग बढ़ जाती है आपकी एक डेवलपर अगर एक घंटा स्पेंड करता है कोड लिखने में तो दस घंटा स्पेंड करता है डिबग और टेस्ट करने में अगर आपका कोड एक्यूरेसी बहुत हाई है तो जो टाइम टू डीबग एंड टेस्ट है वो कम हो जाता है विच मीन्स कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो uh, तो जैसे टेक में एक कॉन्सेप्ट है टेनक्स इंजीनियर वाला टेन एक्स इंजीनियर आर पीपल हु हैव प्रॉब्ली टेन टाइम्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नॉर्मल इंजीनियर वो अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो यू कैन बिकम टेन एक्स प्रोडक्टिव तो ये सारे कोरिलेशन बड़ी कंपनीज़ को दिखते हैं इन देयर कॉन्टेक्स इट माइट मेक सेंस इट इज ईजियर टू स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज एज वेल भाई या तो आपने सॉल्व किया या नहीं किया तो इसलिए दे फोकस ऑन डीएसए मुझे इसलिए लगता है वो तो जाएगा तो नहीं डीएसए तो हमेशा रहेगा पार्ट ऑफ इंटरव्यूज़ हो सकता है कि डेव का रेशियो बढ़ जाए जैसे एक दो सिम्टम्स जो दिख रहे हैं कि कॉइन बेस करके कंपनी है स्ट्राइप करके कंपनी है बोथ ऑफ दीज आर सर्कल वाली बेस्ड कंपनीज उन्होंने अभी एक राउंड इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने इंटरव्यूज़ में जहाँ पे वो आपको एक कोड बेस देते हैं और बोलते हैं इस कोड बेस में बग है ढूंढ के निकालो एंड वो मतलब आपने बग निकाला नहीं निकाला दैट डजेंट मैटर इट मेक मतलब उनको ये देखना होता है कि आप बग कैसे निकाल रहे हो हुँ, हुँ, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो आ, ये चीजें हो सकता है थोड़ी बढ़ने लगे लेकिन डी एस ए हमेशा रहेगा एज एज पार्ट परसेंटेज वेटेज घट जाएगा इसमें सर एक चीज़ और है कि आज के टाइम पर अगर फ्रेशी में जाऊँ एस डी वन पोजिशन के मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझसे कोई डिजाइन पैटर्न नहीं पूछ रहा मुझसे कोई लो लेवल डिजाइन की बात ही नहीं कर रहा कि यार ये सिंगल टन क्या होता है बताओ हो एक बार वो चेंज होगा वो वाली चीज़ है क्या है वो, वो पूछी जा सकती है या फिर फ्लिपकार्ट का एक राउंड है मशीन मशीन, मशीन कोडिंग राउंड वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया और मतलब मैंने वो फ्लिपकार्ट का राउंड दिया मुझे लगा यह तो बहुत प्यारा राउंड है आपसे क्वेश्चन सॉल्व है ना हो मैं ये कह सकता हूँ गारंटेड कि आपको मज़ा बहुत आएगा वो राउंड देने में कि आपको पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है आपको रिक्वायरमेंट सारी की सारी दी हुई है कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए अब आप सोचो कैसे डेटा लगाना है क्या मैं डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करने वाला हूँ कैसे मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ इंटरफेस एक्स्ट्रा क्लासेज सारी उपस लगा दो तो वो बहुत मज़ेदार है एक डी एस प्रॉब्लम सॉल्व करना ठीक है आपने सारे टेस्ट केस पास करा दिए पर यह डिज़ाइन वाली गेम है ये बहुत सही और आगे ये इंक्लूड होगी डेव जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज्यादा आई लो लेवल डिजाइन स्पेशली ऊपस रिलेटेड डिजाइन एच डी वन से भी पूछा जाने लगेगा इन नियर फ्यूचर राइट राइट बिल्कुल और सिस्टम डिजाइन जो आज के टाइम पे मेजोटी केसेस के अंदर इंक्लूडिंग स्टार्टअप एच डी टून लेवल पर ही पूछा जाता है एस डी वन पर उतना नहीं पूछा जाता या फिर छोटा मोटा बेसिक्स पोशल नेटवर्किंग के वो भी इंक्लूड होगा टाइम के साथ साथ तो ये चीज़ें आएंगी तो सिर्फ डी पे ना डिपेंडेंट रहें आगे वो जो चीज़ें मिलती है ना एक्सप्लोर करते जाएँ पढ़ते जाएँ तो उससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है अगली चीज़ सर मुझे ये समझ में आती है कि एज अ स्टूडेंट अभी आपको एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो कल मेरा एक वेबिनार था थापड़ इंस्टीट्यूट में परसों था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉमन चीज़ मैंने बच्चों का डाउट देखा कि भैया मोबाइल डेवलपमेंट है वेब डेवलपमेंट है आई डेवलपमेंट है मशीन लर्निंग है और नई नई तीन चार चीज़ें और आ चुकी हैं अब जब मैं एक चीज़ करने जाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि नहीं यार मैं मोबाइल कर रहा हूँ इसमें स्कोप नहीं है वेब में ज़्यादा स्कोप है अब मैं वेब करने जाता हूँ तो मुझे लगता है, नहीं यार वेब में स्कोप नहीं है मशीन लर्निंग में ज़्यादा स्कोप है तो वो फोमो क्रिएट हो गया मेरे दिमाग में कि यार वो नहीं मैं यार पीछे रह जाऊँगा मैं गलत चीज़ चूज़ कर लूँगा तो इतनी सारी जब चॉइसिस मेरे पास आ रही है तो इसको डील कैसे करूँ मैं कि चूज करूँ मतलब क्या पता जो मैं चूज करूँ स्कोप ही ना हो क्या पता मुझे सामने वाली कंपनी बोले कि नहीं तुमने ये चूज़ किया मैंने ले रहा तुम्हें mm -hmm. ऐसा होता नहीं है बट डाउट बच्चों को ही आ रहा तो इस इस केस में क्या करना चाहिए uh, मैं दो तीन एग्जांपल्स लेता हूँ ऐसे लोग जिनको कि लोग शायद जानते भी हूँ uh, तुम तो मेरे मेरे साथ में दो लोग थे जो रहते थे यू में फेसबुक में अभी वन ऑफ देम इज़ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर फॉर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड टीम में काम करता है एंड द अदर पर्सन इज़ अ वी इंजीनियर मेटावर्स इंजीनियर फॉर आकेलेस इन दोनों का बैकग्राउंड ये है कि उनको कोडिंग अच्छे से आती थी डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट अच्छे से आते थे विच इज़ योर बेस आपने बहुत सॉलिड बेस बना लिया उसके ऊपर आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो ठीक है तो उन्होंने ये बनाया था भाई वो उसने मशीन लर्निंग उसके बाद में सीखा एंड वी आर इंजीनियर बाद में सीखा और वो तुरंत सीख भी लिया और बन भी गया इनफैक्ट अभी तने प्रताप को तो हर कोई जानता है तनय प्रताप अभी जो कंपनी चला रहा है उसमें ही हीज़ बिल्डिंग का मेटावर्स उसका कोई बैकग्राउंड नहीं बेटा बर्स का इज़ अ गुड इंजीनियर सॉलिड इंजीनियर ये बेस सॉलिड है उसके ऊपर भाई आप कोई भी बिल्डिंग बना लो कोई भी इमारत बना लो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मतलब भाई कॉलेज स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये जो बेस है ना ये बहुत सॉलिड होना जरूरी है आप पहले सॉलिड फंडामेंटल्स बनाओ कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए ये जो बेस आपने एल बोला एल एल डी कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए थोड़े बहुत डेबू कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए ये बना लो उसके बाद टेक्नोलॉजी तो आती रहेंगी सीख लोगे आप विद टाइम मेटावर्स बनाना भी सीख लोगे आप आप ब्लॉकचेन भी सीख लोगे आप वेब थ्री भी वेब डेवलपमेंट कुछ भी जो भी है विद विद टाइम आप सब सीख लोगे बट ये अगर ये सॉलिड नहीं हुआ तो फिर आप जो सीखोगे वो फायदा नहीं है हाँ ठीक है तो ठीक है मतलब मेरे केस में मैं जब मैंने सोचा कि मैं करता हूँ डेवलपमेंट स्टार्ट करता हूँ अपना कॉलेज टाइम में तो मेरे पास चॉइस थी कि यार मशीन लर्निंग तो चलो अब मुश्किल लग रहा है देते हैं बाद में करेंगे अब मैं या तो एंड्रॉयड कर लेता हूँ या तो वेब कर लेता हूँ तो मैंने यू डीम से कुछ कोर्सेस दी और वेब स्टार्ट कर दी पंद्रह दिन मैंने करा मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार एंड्रॉयड करते हैं फिर तो मैंने एंड्रॉयड स्टार्ट करी यूटारसिटी से और मुझे दिखा कि ये थोड़ा ठीक लग रहा है तो यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं तो मेरे जो मेरा एडवाइस जनरली रहता, रहता है वही रहता है कि ठीक है आपको पांच चीज़ें हैं ना तो आप क्या करो ठीक है ट्राई कर लो पाँच दिन इसको दो पांच इसको दो पाँच इसको दो पाँच इसको दो ठीक इससे आपको ठीक है वो एंटायर पिक्चर नहीं पता वेब में क्या होने वाला एंटायर पिक्चर नहीं पता मैं डेवलपमेंट क्या होती है बट एक जनरल आइडिया मिल गया कि यार इस चीज से वाइब कर पा रहा हूँ मैं इस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इसे मज़ा आ रहा है तो कर लो उसको कंटिन्यू कर लो तो ये एक स्ट्रेटेजी ठीक है हिटन ट्रायल हो गया एक तरीके से बट ये एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं बाकी इसके पीछे कि आपका बेस स्ट्रॉग है क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये तो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि सिर्फ टाइम वेस्ट ही करते जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा तो ये भी एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर ध्यान देना चाहिए अब एक सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अगर आप अभी इक्कीस साल के हैं ठीक है अगर आप अभी इक्कीस साल के हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स अपने आपको बता देंगे पहले चुपचाप कान में आके यार ये चीज़ें गलत मत करियो या फिर इन इन चीज़ों का ध्यान रखियो जो कि आपके लिए भी फायदेमंद हो और जो ऑडियंस हमें देख रही है उनके भी जीवन में जो भी वो स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर वो कोडिंग में कुछ करना चाहते हैं डोमेन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए वो फायदेमंद वो तीन बातें जो अपने कान में आप चुपचाप आज बता देंगे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो एक दो चीज़ें जो मैंने सही करी एंड आई वेरी थैंकफुल फॉर दैट जैसे कि कॉलेज में बेसिक्स बिल्ड करने में फंडामेंटल्स बिल्ड करने में काफ़ी फोकस किया जो मतलब जब काम स्टार्ट किया तो समझ में आया कि कुछ कुछ गलतियाँ जो मैंने करी जिन पर मैं भी फोकस कर सकते थे एक तो ये था कि एंड दिस इज़ बाई वे एवरी डेवलपर डज इट लोगों को लगता है कि टास्क मिला है कोड लिख दिया काम ख़त्म uh, लेकिन एक्चुअली किसी भी डेवलपर का काम कोड लिखने पे ख़त्म नहीं होता है कोड लिखा कितने लोग वो को कोड यूज़ कर रहे हैं जो मैंने बनाया है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं जब वो यूज़ कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है क्या तब वहां पे काम खत्म होता है अडॉप्शन mm -hmm. आपने ऑप्टिमाइजेशन किया तो एक्चुअली वो ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है ओवरऑल आपने ग्राफ बना के देखा टाइम कितना लग रहा है वो वो ग्राफ डिप हुआ है कि नहीं हुआ है mm -hmm. उससे डिसाइड होता है कि आपका काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ कोड mm पुश -hmm. करने पर नहीं होता है काम खत्म mm -hmm. uh, पहला तो एक ये था पहले मतलब आई वॉज अ टास्क सॉल्वर लीडर ऑन बी केम इन इंजीनियर वॉज लिख पिक्चर दूसरा सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली शुरुआत में बहुत बेकार थी कम्युनिकेशन <laughs> बहुत ही बेकार था प्लस uh, लाइक like, अब यू एस मूव हो जाओ तो थोड़ा सा एक डर लगा ही रहता है कैसे बात करूँ मैं किसी से तो uh, जो चीज़ मतलब और हमेशा ये लगता है ना कि जब भी कोई कम्युनिकेशन के बारे में बात करेगा सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करेगा तो लगता था कि यार ये ज्ञान है।, है कौन सुनना क्यों सुनना चाहिए uh, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं क्योंकि आप कभी भी कुछ भी करोगे आप अकेले नहीं करोगे एक टीम में करोगे तो टीम में सबको साथ में लेके चलना सबको बताते रहना कि ये चल रहा है सबसे सजेशन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बोलते हैं इसको uh, सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास <laughs> uh, वो चीज़ थोड़ी लेट में समझ में आई लाइफ में बट मतलब ये समझ में आया कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मे बी मतलब इफ़ आई वॉर टू तो गो बैक अगेन मैं उस तो पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा राइट फ्रॉम डे वन तीसरी चीज़ जो कि स्टार्टअप रिलेटेड है मुझे लगा जो एक गलती करी मैंने फेसबुक के डायरेक्टली बात स्टार्टअप चालू कर लिया फेसबुक क्या होता है यार फेसबुक और गूगल और नहीं अलग ही दुनिया होती है यहाँ पे आप कोड लिखते हो लेकिन आ, मार्केटिंग में क्या चल रहा है सेल्स में क्या चल रहा है आ, किस टाइप की स्ट्रैटेजी कंटेंट में चलती हैं चल रहा है इन सब पे कोई भी एक्सपोजर नहीं होता है आपका तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने स्टार्टअप में गलतियाँ कर करके सीखी टाइम लगा ये सब सीखने में अगर मैं वापस जाता तो एटलीस्ट एक चीज़ मैं ये करता कि पहले मैं फेसबुक छोड़ने के बाद एक अर्ली स्टेज कंपनी ज्वाइन करता जहाँ पे मे बी एक साल काम करके ये सब समझने की कोशिश करता चलता कैसे क्या गलतियाँ करते हैं लोग क्या सही स्ट्रक्चर है चलाने का एंड देन फिर इंटरव्यू uh, स्टार्ट करता आई थिंक ये जो थर्ड पॉइंट था बहुत बहुत एकदम माइंड ओपनिंग पॉइंट था मतलब ये सोचा नहीं मैंने इस परस्पेक्टिव से कभी बट ये लॉजिकल है क्योंकि ठीक है आप uh, इस माइंडेड से जाते हो कि ठीक है मैं कंपनी में जॉब करूंगा अभी कैपिटल नहीं कैपिटल इकट्ठी कर लेता हूं अभी नॉलेज नहीं पर नॉलेज इकट्ठी कर लेता हूं अब से आप कैपिटल भी हो गई नॉलेज भी होगी चलो स्टार्टअप करने चलते हैं <laughs> चलो स्टार्टअप में पर आपको ज्ञान ही नहीं है जैसे हम डिस्कस कर रहे थे आपने बताया कि सेल्स और मार्केटिंग की जो गेम थी वो स्टार्टिंग में इंटरव्यूट के टाइम पर हमें पता नहीं थी उस लेवल का नहीं पता था हमें बट अगर हमने ये स्टेटजी वहाँ अप्लाई की होती अर्ली स्टेज स्टार्टअप में जाते किसी में तो वहाँ पर देखते या स्क्रैच से चीज़ें कैसे बिल्डअप हो रही है तो वहाँ से सीखते थोड़ा बहुत और फिर हम यहाँ पर इंटरव्यूट बनाने आते तो ठीक है वहाँ पर हम और अच्छा ग्रो कर पाते तो ये ये अच्छा एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे भी इसको मैं भी अप्लाई करने की जो सकता हूँ और ठीक है बहुत लॉजिकल पॉइंट था तो जाना सर आप ऑडियंस को कुछ एडवाइस देना चाहें एक चीज़ जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हो चाहे आप कोडिंग कर रहे हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ और उसके बाद इस सेशन को इस इंटरेक्टिव सेशन को हम समाप्त कर देंगे नहीं मेरा मेरा एक एडवाइस जो हमेशा सबसे ये रहता है कि लोग अपने ड्रीम्स के बारे में एस्पिरेशंस के बारे में लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं हमारी जो पहली क्लास होती है इसकेलर में उसका टाइटल होता है डेयर टू ड्रीम क्योंकि uh, मुझे एक लगता है कि मतलब जो सब किसी भी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपने ड्रीम किया आपने एस्पायर किया तब आप करना चालू करते हो तब आप फाइट मारना स्टार्ट करते हो माई एडवाइस टू एवरीबडी हियर इज़ की डेयर टू ड्रीम ड्रीम अबाउट वॉट यू कैन डू इन लाइफ एंड देन गो एंड अचीव इट बट स्टार्ट तो ड्रीम करने से ही होगा तो इट इज ओके ओके टू टू डे ड्रीम ड्रीम इट्स बिल्कुल बिल्कुल सर क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है हमें कि दिशा में भागना है तो हम आप भाग ही नहीं पाएंगे तो पहले दिशा डिसाइड कर लो यार जाना कहाँ पे है और फिर भागते जाओ उसके पीछे ठीक है बीच बीच में राउंड्स लगाना वैलिडेशन के कि सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा है किसी एक्सपीरियंस पर्सन को बैठा के बट ठीक है वो दिशा पता होनी चाहिए मुझे जाना कहाँ पर है तो ये ज्ञान वाली बात थी ये कफाउंड वाली बात थी ठीक है तो थैंक्स सर थैंक्स थैंक और बड़ा मजा आया सेशन में तो इस्टो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सर